आयताकार कागज़ के दो टुकड़े हैं जिनकी लंबाई 23 सेंटीमीटर और चौड़ाई 16-16 सेंटीमीटर है। हम इनसे लंबवृत्तीय बेलन का निर्माण करेंगे। एक को लंबाई की तरफ से मोड़ करके और दूसरे को चौड़ाई की तरफ से। हम हरे रंग को लंबाई की तरफ से मोड़ करके लंबवृत्तीय बेलन बनाते हैं और लाल रंग को चौड़ाई की तरफ से। यह जो लंबवृत्तीय बेलन बना इसकी लंबाई 23 सेंटीमीटर को परिधि बनाया गया और ऊंचाई 16 सेंटीमीटर आई और यह इसकी परिधि चौड़ाई वाला भाग बना जो 16 सेंटीमीटर का था और ऊंचाई इसमें 23 सेंटीमीटर आया। अब हमें ये देखना है कि किसमें ज़्यादा आता है, किसका आयतन ज़्यादा है। तो हम इस जिसमें लंबाई वाले जिसको मोड़कर बनाए हैं 23 सेंटीमीटर, इसमें हम भरते हैं गेहूँ और इसमें भर करके इस वाले में डालते हैं, देखते हैं किसका ज़्यादा है। अब यह इस भरे हुए बेलन द्वारा दूसरे बेलन में हम भर रहे हैं गेहूँ, इसमें देखें। आप देख रहे हैं यह बेलन पूरी तरह से भर गया है। यह पूरी तरह से भर गया फिर भी इस बेलन में अभी बचा है। इसका अर्थ हुआ कि जो लंबाई की तरफ से जो 23 सेंटीमीटर की तरफ से मोड़ करके बेलन बनाया गया उसका आयतन ज़्यादा है जो चौड़ाई की तरफ से, और इसका अनुपात इनके लंबाइयों के अनुपात के आधार पर होता है। जिसकी लंबाई ज़्यादा होगी उसमें आयतन ज़्यादा होगा और जिसकी लंबाई कम होगी उसका कम होगा। गणना द्वारा हम ज्ञात कर सकते हैं कि आयत के भुजाओं से निर्मित बेलनों का अनुपात बेलन का आधार बनाए गए भुजाओं के अनुपात होगा, या अर्थात यहाँ 23:16 होगा।